One ball, one run. First ball, Mohit ka. Char ball, char run. Dead ball, dead ball, dead ball. Batsman ready nahi the. Char ball, char run. Ek wicket. बहुत ही अच्छा शॉट अजीत का बहुत ही अच्छा फील्डिंग अमीश द स्कोर आफ्टर वन ओवर इज 5 रन्स वन ओवर 5 रन्स वन विकेट ये बैटिंग पावर प्ले है वन ओवर 5 रन्स वन विकेट और ये बैटिंग पावर प्ले बैटिंग पावर प्ले और बैटिंग पावर के लिए बॉलिंग के लिए आए हैं मीन मीन हलानी तुषार सर मीन ना मीन हलानी तुषार के बहुत ही भरोसेमंद प्लेयर
और ये सिंगल, बैटिंग पावर प्ले के पहले बॉल पे सिंगल। ये एक बॉल पे अभी सिंगल मिला है। नहीं, वो बेटे का लॉजिक सही है अर्चित, बेटे का लॉजिक सही है। एक और सिंगल आते हुए, और ये आउट, एम साइकल्स के दूसरा विकेट जाते हुए। One point two, nine runs, one wicket, or two wickets. 1.3. एक क्राउड नीम की अच्छी बॉलिंग। लेग बाय होता? हाँ सर, सर द स्कोर आफ्टर बैटिंग पावर प्ले इज 13 runs, 1-3, 1-3, 13 runs. तुषार का अगला बॉल, बैटिंग पे असीत और नॉन स्ट्राइक पे तरुण। टू पॉइंट थ्री, 16 runs, 2 wickets. और ये बाय लेते हुए
मीन से मिसफील हुई, विकेट कीपर से मिसफील हुई. 2.4 17 रन्स. और ये वाइड तुषार वाइड डालते हुए. अंपायर डिसीजन जो होगा वो है, ये नो बॉल नहीं था. तुषार की आखिरी बॉल. द स्कोर आफ्टर 20 रन्स. The score after 3 overs is 20 runs, 2-0-20. 3 overs, 20 runs, 2 wickets. Batting power play ho chuka hai. नाखून लगाए उसे. ये मीन की अगली अगला ओवर, मीन का ये सेकेंड ओवर है. अर्चित इट्स ओके, अंपायर है, देख लेंगे. दूसरी बॉल अर्थमीन की. और ये तरुण आउट, तरुण हुए रन आउट. एम साइकल्स का तीसरा विकेट जाते हुए. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. या एम साइकल्स के सपोर्टर है या डीके रॉयल्स के सपोर्टर है. अगला बॉल मीन का, चौथा ओवर का तीसरा बॉल. कैप्टन अर्चित अभी बैटिंग पे आए हैं. कैप्टन अर्चित बैट है नॉन स्ट्राइक पे. असीत जो ओपनिंग करे हुए हैं. और ये असीत आउट हो गए. और ये रिव्यू
माइनस थ्री मिला। हाँ कैमरामैन की दाद देनी पड़ेगी एंगल देने के लिए, थैंक यू सो मच। और ये सिंगल मिला सेकंड बॉल पे, 24 रन्स, चार बॉल बचे हैं बॉलिंग पावर प्ले के, तुष चार बॉल बचे हैं बॉलिंग पावर प्ले के। कप्तान तुषार अपनी फील्ड सेट करते हुए, बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा डिफेंसिव शॉट सिंगल के लिए, परफेक्ट बैटिंग बाय सैम, सैम की परफेक्ट बैटिंग की वजह से सिंगल मिला। मेरे से एम स्ट्राइकर्स को और एक विकेट नहीं देना चाहिए इस ओवर में। द स्कोर आफ्टर बॉलिंग पावर प्ले इज 27 एंड 28 इज द टारगेट, 28 इज द टारगेट फॉर डीके रॉयल्स टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। फाइनल स्कोर फॉर एएम स्ट्राइकर्स इज 27 रन्स 27 विकेट्स इन 6 ओवर्स। अगला सेमीफाइनल मैच होगा अल्ट्रा सुपर किंग्स वर्सेस बटालियंस, आई लाइक टू सॉरी क्वार्टर फाइनल, कैप्टन ऑफ बटालियंस निशांत एंड कैप्टन ऑफ अल्ट्रा सुपर किंग्स रोहित, रोहित एंड निशांत, हाँ प्लीज टॉस के लिए दोनों आपस में स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। रोहित है निशांत जहां कहीं भी, रोहित रोहित टॉस 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 निशांत, निशांत मिल जाएगी बात नहीं लेगी वो, मैच होगी ना वो एज बेसिस पे होगी क्योंकि मेरी उम्र देखो भाई 38 की हो गई है। ये पूजल लोंडे बनाया तुम लोगों ने, पूजल है और पूजल लोंडे। निशांत के ओनर डीसी जैन या रंजीत जी इफ दे कैन कम, इफ निशांत इज नॉट देयर कोई निशांत की टीम से आ सकता है। निशांत निशांत प्लीज, निशांत टॉस टॉस, अरे आपस में डिसाइड कर लो कैच, एक मिनट आने दे निशांत, आपको हेड सेल्स पता है ना दोनों, कॉल कॉल दे रहा है। अरे इधर आना गोपाल जी, किधर है गोपाल जी,
Rohit, Ultra Super Kings have won the toss and they have decided to bat first. Rohit. Battalions will be bowling first. Coming back to this match, the target for DK Royals is 28. 6 over mein 28 run chahiye. runs in 6 overs aur pehla bowling karne aa rahe Asif for AM Strikers. Strike pe hai Mihin, non-strike pe Mohit. Asif, Tarun, we need to start the match fast. Archit, we need to start the match. Captain. Score after one over is 9 runs. Yeah, batting power. And this is the batting power play. And Captain Archit is bowling. Captain Archit is bowling for batting power play. Ke liye. Strike pe hai mein. Ye power play mein kya kisko fayda hota hai?
अच्छी फील्डिंग, सीधा फील्डर के हाथ में मिड ऑफ पे। और ये अच्छी फील्डिंग और आउट, मीन आउट हो चुके हैं। अगले बैट्समैन है अमीश, एक ओवर दो बॉल नौ रन, एक ओवर दो बॉल नौ रन। पावर प्ले का तीसरा बॉल, पावर प्ले का तीसरा बॉल। और कैप्टन अपनी फील्डिंग चेंज करते हुए बोला, बोला, बोला। तीसरा बॉल पावर प्ले का, अब तक एक भी रन नहीं है। और ये आउट। एक ओवर, कप्तान ने हैट्रिक ले ली है रन आउट की। ओके, दो रन आउट और एक कैच, सो इट्स नॉट अ हैट्रिक। टीम हैट्रिक थी, टीम हैट्रिक। क्या ये पावर प्ले ओवर मेडन जाएगा, क्या ये बैटिंग पावर प्ले ओवर मेडन जाएगा? वन डी वन बैटिंग पावर प्ले ओवर में सिर्फ दो रन के अर्चित ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। दो ओवर 11 रन, दो ओवर 11 रन विकेट। दो स्कोर इज आफ्टर द बैटिंग पावर प्ले, द स्कोर इज 11 रन, 11 रन, 11 रन, 1-1-11, 17 रन चाहिए चार ओवर में डीके रॉयल्स को। ग्यारह रन तीन विकेट। दो रन तीन विकेट।
चार ओवर में 17 रन चाहिए डीके रॉयल्स को। अचित की बहुत ही अच्छी बॉलिंग बैटिंग पर आपने डंडी मार ली का इतने का प्रिया आपको माइक चाहिए बोलने के लिए कुछ? मुझे भगवान ने गले में माइक लगा के दिया। आपने सच बोला है ये। अर्चित अर्चित जल्दी प्लीज बहुत टाइम ले लिया। बॉलिंग पावर प्ले, दिस इज द बॉलिंग पावर प्ले। ये बॉलिंग पावर प्ले है, इसमें विकेट गया तो -3 हो। और बॉलिंग पावर प्ले डालने आए हैं यश। और वी नीड टू स्टार्ट द मैच फास्ट, बहुत टाइम ले लिया हमने। राइट आर्म ओवर, प्लीज स्टार्ट द मैच। और ये आउट। Is 10 runs, 1-0-10, 18 ball 1-0-10, 18 ball mein 18 chahiye, 18 balls
18 runs required. 18 balls. और पावर प्ले सब खत्म हो चुके हैं. अगला ओवर बाय यश. अगला ओवर बाय यश बुमरा. और ये बाउंड्री, और ये बाउंड्री, ये बाउंड्री गई. एक बॉल 14 रन. एक बॉल ये मिसफील्ड के बाद प्लेयर को चेंज किया जा रहा है. ये मिसफील्ड के बाद प्लेयर को चेंज किया जा रहा है. एक बॉल में 4 रन मिल गए. अर्चित थोड़ा जल्दी, मोहित मोहित जल्दी. एक बॉल में मैच पलट सकता है. शायद ये एक बॉल हो सकता है. अमीश का अच्छा शॉट, चौका मिला. एएम साइकल्स चुप होते हुए. और ये लेग बाय, ये लेग बाय अमीश के. ये लेग बाय आया. तीसरा बॉल. और ये वाइड, ये वाइड यश बुमरा का वाइड. मैच फिर से पलटते हुए. और ये अच्छी रनिंग अमीश की. अमीश की अच्छी रनिंग और वो पहुंच गए. चार, तीन बॉल हुए इस ओवर के. तीन बॉल बचे हैं. अच्छा शॉट अमीश का लेग साइड पे और सिंगल मिला. अठारह रन हो गए हैं. और ये सिंगल अमीश को, तुषार को एक और सिंगल मिला. ये ओवर की एक बॉल बाकी है. वन बॉल टू गो. इस ओवर में दो मिसफील्ड के वजह से दो बाउंड्री आई. 12 बॉल्स 5 रन रिक्वायर्ड. 12 बॉल्स 5 रन. 12-5. 12 बॉल में 5 रन चाहिए. 12 बॉल में 5 रन. 12 बॉल में 5 रन चाहिए. वही तो अंपायर भी बोल रहे हैं. मोहित जल्दी. मोहित 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 मोहित
12 बॉल में 5 रन और अर्चित आए बॉलिंग पे, कैप्टन करेंगे, कैप्टन को बॉलिंग। ये दो फोर ने गेम पलट दिया है, ये दो फोर ने गेम पूरा पलट दिया है। दो मिसफील्ड और दो फोर। और ये इजी कैच मिस हो गया है। एम साइकल्स को फील्डिंग पे थोड़ी ध्यान देनी पड़ेगी। एम्स की फील्डिंग थोड़ी डाउन गई है इस टाइम। चार रन चाहिए और 9 बॉल्स। बहुत ही अच्छा शॉट अमीश का। इसने बहुत ही अच्छी तरह से मिड विकेट की तरफ प्लेस किया और सिंगल लिया। 2 बॉल्स टू गो। 8 बॉल में 3 रन चाहिए। कैप्टन अपनी फील्डिंग चेंज करते हुए क्लोज मैच करते हुए। और एक और सिंगल मिला। 7 बॉल में 2 रन। 7 बॉल में 2 रन। और ये आउट। अमीश ने सीधा स्क्वायर मारा और आउट हो गए। 1 ओवर में 2 रन चाहिए। तुषार स्ट्राइक पे आएंगे, आखिरी ओवर डालेंगे यश। यश शॉट डालेंगे आखिरी ओवर। 1 ओवर में 2 रन। अगला ओवर डालेंगे यश शर्मा। स्ट्राइक पे है तुषार। इंटरेस्टिंग मैच। क्या एम स्ट्राइकर्स मैच जीत सकते हैं? कैन दे स्नैच विक्ट्री आउट ऑफ द डिफीट? तुषार बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए, असीद फील्डिंग लगाते हुए, यश शर्मा बॉलिंग पे। और ये आखिरी ओवर का पहला बॉल। और ये अच्छा बॉल और अच्छा शॉट। और इसी से स्कोर टाई हो गए हैं। स्कोर्स आर टाइड। 5 बॉल में 1 रन चाहिए डीके रॉयल्स को जीतने के लिए।
और ये वन डी और डीके रॉयल्स मैच जीत गए। डीके रॉयल्स मैच जीते। तो सेमीफाइनल वन डिसाइड हो गया है। पहला सेमीफाइनल होगा अयोध्या 11 वर्सेस डीके रॉयल्स, एलियंस वर्सेस अल्ट्रा सुपर किंग्स। अगला मैच बटालियंस वर्सेस सुपर किंग्स। टॉस जीता था सुपर किंग्स ने और उन्हें बैटिंग